This is a story about an Irish young man who had one too many shots of Jameson and was unashamed to share his excitement with the world. Hey, welcome back to our stupid reactions. Again, it's Tim Corbin. All right. And he follows on Instagram, Twitter. They go on some Patreon, follow the Twitter camera. Oh! Link in the description below. Today, we're doing some stand-up. And it's from, I believe, the same guy who did... other stand-up. Yes, the porn. Yes. The guy stand-up comedy from the guy who did the porn. Remember him? You remember the porn set? Yeah. Oh, yeah. I remember that guy. The porn star who did stand-up. By the way, they're not adult actors, by the way. Don't even get me started. Yes, I do remember who you're talking about. Okay. All right, well, here we go. This one's called, hold on. How I Became a Stand-Up Comedian. Say his name. Abhishek Upmanyu. Friends, crime, and the cosmos. Cool. That's a really interesting... How were those related? Wait, I'll be there, I'll say Abhishek Upmanyu! Yeah, good. Oh, he looks different. बेइज्जती लगती है ऐसा सब कुछ यार क्या हाल है बढ़िया थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को दोपहर को तुम आ गए अच्छी बात है पता है मैं माहिम में रहता हूँ वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं वहाँ मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी Does that make sense? सड़कों क्या जरूरत है मेट्रो बंद तो नहीं मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के ऊपर से मैं दिल्ली था मुझे मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारी मेट्रो बन रही है मैं क्या मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है मुझे क्या बता रहे हो तुम ये बताएगा तो कभी अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया और मैं वो पीवीआर में नहीं गया मैं उसमें गया वो सिनेमा हॉल नहीं होता वो सिंगल स्क्रीन हाँ बहुत सही होता है वो क्योंकि वहां ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते पहले सीट पे गिरे होते हंसने की बात नहीं उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का सर स्नैक्स है आपके गान के नीचे ओ और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेस उसके तरफ अच्छे तो हैं वैसे फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं तो मैं बालकनी होता है लोअर स्टॉल होता है मैं कभी लोअर स्टॉल क्यों नहीं एक बार गया था मेरे दोस्त भी रह गया था बड़ी अजीब बातें करके ले गया कहता लोअर स्टॉल चलना मैं महीने ना कह रहा चलना मैं क्यों कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी मतलब कह रहे क्या हरकतें करते थे फिक्र नहीं करते थे यही बातें बाद में यादें बनती हैं आजा 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 ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही मैं वैसे लंच करने गया था चाइनीज खाने गए थे वहां से निकल रहे कह रहे ओए याद है जब चाइनीज वहां चबा रहा हूं मैं भी यार पेट तो कुछ नहीं खाने को तो ये ना फालतू की फील्म रहता है क्या करता है ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं किसी ने जोक मार दिया सब हंस दिए ये दोस्ती के पल मैं चले यार मैं जीने होते पलों को पहले तो यार बाद में जब पहले याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया सेम हरकतें थी वी ब्रोक अप But it was mutually decided that I don't deserve her. Very clear right from the start. लड़ाई लगी थी ना कितनी लड़ाई करोगे आप एक लड़ाई कितनी बार करोगे जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे and she's like ओए कोई moment बना मतलब क्या relation
रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना, मैं कहा होते हैं कई तो बना फिर. मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से माउंट बनाऊ. क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल नहीं रहा. अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी. मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी. पक्का याद रहेगी हमें. याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था. हाय वो आईसीयू का वार्ड भुला ही नहीं भूलता. देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म. अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ. यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था. वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था. मैं सात सात दिन क्राइम पेट्रोल देते रहता था. ऑफिस से छुट्टी लेके कॉपी लेके नोट सुनाता था देखते टाइम. क्या अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये. अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी. और जब बड़ा हुआ तब समझा क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है. क्राइम पेट्रोल कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना. वो तो बेचारा अपना काम कर रहे हैं, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके. इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली. ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे. और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको फोन एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना. ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले. जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया. इंडोर जॉब है आपको. सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है, बहुत सिंपल है. जिसका मर्डर हुआ उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में. अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो, निकाल लिया दिखाओ जरा इधर. हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी. तुम मर्डर कर मैं ही हूँ. टफ डे एट वर्क. ये बता ऐसे बंदे का मर्डर होगा जिसके दोस्त ही नहीं थे. पुलिस की गांड ही फट गई, क्या करेंगे. ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार. तुमने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता है ना क्या किया. मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए. इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे. सबको खड़ा किया, खड़ा करो यार, निकाल सबके फोन रिकॉर्ड्स. इनको शौक चढ़ेगा मर्डर करने का, बताते हैं तुम्हें. ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं. तुम हो मर्डर. मैं तो नहीं हूं. क्या तुम ही हो ना. मैं ही हूं. हाँ. क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं. ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा. उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा. वो कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके. उसे क्या पता था मतलब. और इसका पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी है, हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी. मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे. मैं मेरे घर में तो ऐसे सुबह नहीं होती. सच में मैं उसको देख के सोच रहा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं. हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के. हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही,
लड़ाई ही चल रही उल्टा। ये वो टाइप है, उसने कहा आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। उसमें लिखा था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और ये पहले तो मैं बाप से पहले उठ गई, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता। सच में वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो के मैं सो जा आ गया। क्या कर रहे आप? हम सोने जा रहे हैं अभी? नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। उनका दिमाग खराब हो रहा है। उसमें लिखा है कि उसका बाप सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चद्दर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी। इसमें बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सो गई। अरे पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सो वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल। मेरा बाप मुझे शैतान, वो जो बोलेंगे बाप में उन्हीं को शर्म आई। पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं दो, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले पता चला था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर इनके पास, उन्हीं में गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई है, इसकी बीवी का पड़ोसन चिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप, बस चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल है ना सॉल्ट केसेस खाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा था। मैं दिखा रहा आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती है। बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था, सच में झूठ नहीं बोल रहा आपको, मैं सपने मनुष्य सोने आता था। ये कैसी लाइफ जी रहा हूं मैं, सपने में अनूप सोने आ रहा है। बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आया लाइक भी नहीं है ना। मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं को अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना है एजुकेशन, तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है, यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज मुझे अजीब लगी, वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ में, वो अजीब नहीं। वो तो शुक्र है, बाकी प्लैनेट तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की पिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते अर्थ, हम अर्थ पे, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो कहते हैं सिर्फ बिलियन सोलर सिस्टम मिला हो गया, बिलियन तो एक गैलेक्सी बनेगी, सिर्फ बिलियन गैलेक्सी मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनते हैं, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है।
मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर। तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का, और ढूंढने का इतना शौक है कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिलती। आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? फालतू मतलब बता रहे हो मुझे, हम स्टार से तो छोटे ही होंगे, हम स्टार के एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। उसमें स्टार्स बता देते, कहते स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को साल लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बता दीजिए जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फटके मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहे हैं। पापा कहते दादी है नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे। तो मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे मरी, फट गई। थैंक यू पंचम भारद्वाज, इट कुडन्ट हैव बीन इजी। नो, those references, like the distance between Pune and Mumbai, I guess it was, is like San Diego and LA, whatever that reference. Just thank you so much. Yeah. Driving the, you know, AMC theater. Yeah. It helps us so much. Equating it to, what's the show equated it to? The America's Most Wanted. America's Most Wanted. Yeah, helps us understand the context. We have the best subbers in the business. We do, unquestionably. Yeah, this guy's very, very funny. He talks incredibly fast. Yeah. And I wish we knew Hindi so we could enjoy it even more. I know. There was a moment in there where I could have sworn, because it's slowly getting some Hindi, where they said, so he said something about the station being crappy and they didn't say it. Anyway, yeah, I would love to be able to just hear what they're saying and not have to read the subtitles so that we were fluent in it. Yeah. We'll get there. We'll get there at one point. Yep. But yeah. I bet, I'm going to make a prediction. Okay, go. We become fluent in Hindi before we watch Bahubali 2. No. You're not supposed to say the name. Every time you say the name, it gets pushed back a month. Even farther. Yeah. What'll happen first, Bahubali 2 or SRK? Oh, come on. Well, you just said the name of the film like 4 times. So. Oh, so it must be SRK. No, that's not a hint that SRK is coming on. Anyways, that was very, very funny. Shh, not today. Let us know more stand-up from him and others that we should react to down below, because we like a good giggle. We do like to laugh. Da din din da, din din da, da din din da, din din da, di na di di na, di na di di na, di tuk di na, tu na kat da, tuk di na, din din da, din din da, tuk tu na kat din da, tuk di na. Tuk maga chow.